इसको ब्लो चाहिए, ठीक है? पहले सूंघना है फिर खाना है, फिर सूंघना है फिर खाना है। चप्पल लेके आती तो कोई दिक्कत नहीं है? खाइए 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 खाइए, बड़ा मजा आ रहा है खाइए। At what age did you lose your virginity? Second class. हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल प्यारी वर्षा। और लास्ट वीडियो पे आपने बहुत सारे कमेंट करे हैं चैलेंज विद मनीष, एंड वो आपको बहुत ही पसंद आया है, तो मैं इसका नया पार्ट लेकर आ गया हूँ। और आज मेरे साथ हैं और ये दोनों भी नए कंटेस्टेंट हैं, बाकी ये तो बहुत डर रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, सो गाइस सेम चीजें हैं लेकिन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है बॉटल, हम करने वाले हैं ट्रुथ एंड डेयर चैलेंज, ठीक है? ये साइड मेरा है, ये साइड आपका है, सॉरी ये साइड आपका है, ये साइड ये मेरी तरफ आएगा, ये साइड गलती हो गई, हाँ ठीक है, ये साइड ये साइड क्योंकि तेरा है, ये साइड आपका है, ये साइड मेरा है और ये साइड है वर्षा का, ठीक है? तो जिस पे बॉटल आएगी उनको चूज करना है ट्रुथ या डेयर। अगर आपने अभी ट्रुथ चूज करा है तो आपको नेक्स्ट टाइम डेयर ही लेना पड़ेगा, अगर बॉटल आपके पास में आती है तो। एंड सेकेंडली लास्ट टाइम, हाँ, और लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइन रखा था 500 रुपए का, अगर कोई अपना डेयर चेंज कराता है तो उसे 500 फाइन देना, प्लस उसका जो डेयर है वो चेंज रहेगा, लेकिन वो और भी अपर लेवल का होगा। ट्रुथ में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, आपको बताना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार कोई फाइन नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार ये चीज है कि अगर कोई बंदा अपनी डेयर चेंज करता है या बंदी कोई डेयर चेंज करती है तो उन्हें फाइन नहीं, मुझसे अपनी पीठ पे घूसा खाना होगा। अभी मजा आएगा ना, ठीक है? और मेरा घूसा यहाँ पे ऑफिस में पूरा फेमस है, ठीक है? अभी एंड आज मैं चलो एक प्लस पॉइंट दे रहा हूँ कि अगर बॉटल मेरे पे आती है ना, लास्ट टाइम मैंने कहा था अगर बॉटल मेरे पे आएगी तो मैं रैंडमली किसी को चूज कर लूंगा, लेकिन इस बार मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, आप मुझसे भी ट्रुथ और डेयर करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी करते हैं पहले स्पिन से स्टार्ट, ठीक है? ऑलरेडी ओके, सही चालू करते हैं। ट्रुथ, हर कोई हमेशा पहले ट्रुथ ही मांगता है। सो तुम्हारा पहला ट्रुथ ये है, मुझे ये बताओ तुमने कभी किसी लड़की को थप्पड़ मारा है? किसी लड़की को? हाँ मारा। क्यों मारा? मारा इस वजह से था, गया था मैं क्लब में उसके साथ, ठीक है? उसको बता मेरे साथ, मैं उसके साथ क्लब में गया, ठीक है? अब वहां जाके मेरी तो गर्लफ्रेंड थी वो, लेकिन जब मैं क्लब में गया तो वहां पे पता चल रहा है किसी और लड़के को बोल रही है मेरे ताऊ का लड़का है। बस यही था तो मैंने, जबकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। बहुत सही, ठीक है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। तो उसने भी तो मैंने मारा था, तभी मारा। नोटिस देखा? नोटिस नेहा वाला बता, नेहा तो क्या, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, लड़की मारे तो कुछ नहीं करता, मारे तो करती ही मारा। ओके सो चलो ठीक है, पहला ट्रुथ मिल चुका है, तो ये बहुत ही शुरुआत बहुत हल्के से हुई है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला है, एंड बस पूछो मत मैं आने वाले लोगों से। तो अभी नेक्स्ट स्पिन करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके इट्स वर्षा, वर्षा ट्रुथ और डेयर। सोचना पड़ेगा, ऐसे ट्रुथ क्या पूछूं मैं। सो पहला ट्रुथ है वर्षा से, फोकस कर ले, अभी शर्माने वाली है। ओके सो विच पोजीशन यू लाइक द मोस्ट? नहीं Which position you like the most? क्या नहीं पूछना? क्या position? Position? क्या मतलब? Which position you like the most? तेरी क्या है? मुझे सोफे पे बैठना पसंद है, ये वाली position बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तो इसमें नई नई वाली बात क्या, मतलब इसमें कौन सा गंदा काम कर दिया?
कि नहीं 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 ये क्वेश्चन नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मेरा भी वही पूछने का मतलब था। हाँ, तो आप जब फोटो क्लिक करवाते हैं। अच्छा गाइस समझ लो, आपने कुछ नहीं बोला, क्या आपने कुछ नहीं बोला, समझ लो ने क्या समझ ली बोला। चलो ठीक है, खैर होता क्या है ना, लोगों के दिमाग में ना गंदगी भरी रहती है हमेशा। आप प्लीज फोन रख दीजिए। हाँ, हमेशा लोगों के दिमाग में गंदगी भरी रहती है। जब किसी से उनको कुछ पूछ लो ना, तो वो उनको पहले कहाँ पहुंचते हैं, सेक्स। सो ठीक है, कोई बात नहीं, हैपेंस। चलो नेक्स्ट पिन करते हैं। जागृत अगेन। डेयर, डेयर तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो डेयर आपके लिए है। अच्छा, जो तुमने थप्पड़ से तुमने मारा था वो कितने लेवल का था, मतलब कितनी जोर से मारा था? उसने पूछा कि ये कौन है, तो ताऊ का लड़का। उन्होंने लड़के से पूछा कि भाई उसके ताऊ का लड़का, कह रहा नहीं मैं तो बीए हूँ। कह रहा आप, मैंने कहा मैं ही बीए हूँ। कह रहा लड़की की गलती है। तो मैंने लड़की के सामने पूछा, मैंने कहा ये तो बोल रहे तुम्हारा बीए, तुम पागल हो भाई, मेरे मार दिया। उसका भी लड़का मेरी शक्ल देखा, मैंने भी तेरे लड़की का मार दिया। वो लड़का फिर वहां से मेरी लड़के से ही भैंस हुई, लड़की से ही भैंस हुई, और मैं अकेला क्लब में बैठा, दोनों साथ में चले गए। ठीक है, तमाशा हो गया। चलो ठीक है, तो तुम्हारा डेयर ये है। सो पहले कुछ क्वेश्चन करूंगा। कभी सेक्स किया है? कभी ब्लो जॉब लिया है? पता कैसे होती है? देख, मैंने कभी जब देखा है, तुमने बहुत सारे एक्ट करे हैं, हिजड़े वाले, सॉरी मतलब किन्नर वाले, मैं किसी गलत में भी नहीं बोल रहा हूँ उनको, ठीक है, इट्स जस्ट अ थॉट जिसमें बात कर रहे सारे में, ठीक है। तो मतलब तू लड़की वाली एक्टिंग कर लेता है है ना, इसको ब्लू जाने। अब मैं तो आऊंगा नहीं ना, डेयर चेंज नहीं हो सकता। चेंज करेगा तो गुस्सा आएगा, और डेयर उससे और भी अच्छा पढ़ लेवल का होगा, क्या पता तेरे को बोलते अंदर डाल ले। मार चोट दी है भैया जी आप तो। इनके साथ भी होगा ना ऐसा वाला? डिपेंड करता है, ठीक है। कम से कम एक मिनट तक। जल्दी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऐसे ऊपर से नहीं पकड़ते, फिर मुंह में क्या जाएगा? करा नहीं, मतलब कभी ढंग से देखा भी नहीं मैंने। कोई बात नहीं, नहीं नहीं ये तो टॉप नहीं है, मेरा यार ऐसा लेना होता है। क्या बात हो गया, रिएक्शन। ओके सो गाइस, शायद आपने पोर्न में ना देखा हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो ब्लो जॉब होती भाई ने करी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या नाम है, हाई टॉप का शौकीन है, बॉटम का नहीं। ओके, बाय द वे मैं मतलब बताने भूल गया, कल एक्चुअली ना अभी कल परसों में नाली भर गई थी, तो उसमें ना कुछ था, कुछ निकालना था, तो ये बॉटल में नाली डिप करके उसमें पानी निकालता हूं। सही में आपको नहीं बोलना है, यहाँ पे मैं होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप कोई नहीं होते, मैं बोलने वाले, तो शट योर माउथ। ओके सो गाइस, नेक्स्ट पिन करते हैं, ठीक है, शायद अब आपका जो मनोरंजन है वो स्टार्ट हो गया होगा। ओके, ये है क्यूटी। क्यूटी टू डेयर, डेयर। ओके सो क्यूटी का डेयर है, क्यूटी का डेयर डेली, क्योंकि इसे पता है मैं कुछ अलग ही पूछने वाला हूँ, ठीक है,
सो एज यू सी कि अभी जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी, खैर छोड़ो उसी बात ही करते छोड़ो दे आर A few moments later. ठीक है ट्रुथ ले लिया. ओके सो मैंने बोला तो बंदे ट्रुथ ले लिया. ठीक है तो ट्रुथ पूछते हैं इससे. ओके व्हाट इज योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी? Wildest fantasy? To have shower in sex? To have sex in shower? Sex in shower? Shower, हाँ. अच्छा चलो ठीक है. तो मतलब अगर sex in shower करते हैं तो मतलब सब feel क्या आएगी? मतलब क्या सोचें? मतलब ऐसा कुछ होगा? क्या होने वाला सीन? Wet and wild. Oh yeah. Wet and wild. Okay, so तेरे को शायद मिला तो वो याद आ रही है अपनी rafting हाँ? तुम्हारा कुछ दिनों पहले एक ब्लॉग आया था, उसे लिखा हुआ था तो जो वर्ड थी उसमें लिखा हुआ था वेट एंड वाइल्ड. तो याद वहां क्यों नहीं करा? वाइल्ड तो वही तो डूब गई थी कती में ही. नहीं वेट हो गया था, वाइल्ड नहीं होता. ओके सो वेट एंड वाइल्ड. ओह सॉरी नाइस वेरी गुड. तो मैडम का मन है शावर में सेक्स करने का. मैं इमेजिन कर रहा हूँ. नहीं मैं नहीं बस कुछ पॉर्न मैंने देखी है जिसमें शावर में नहा रहे होते तो. जागृत फिर से बाय. Okay, so tell me, तब से अब तक कितनी बार सेक्स कर चुके हो? जब से कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन भी और भी आएगा, मतलब मैं तरीके से पूछूंगा. ठीक है मैं वन बाय वन पूछता हूँ. हाँ तो मैं आंसर की बात पूछता हूँ. बंदा कंफ्यूज है कितनी बार किस रहा है. ठीक है और फिर गिन रहा है कि मतलब कितने कितनी बार हो जाएगा. अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछता एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं चाहिए. 350 नहीं चाहिए ऐसा. यू कैन से 400 वाले सो अगर करा है तो. नहीं इतना भी नहीं है. ओके इतना भी नहीं करा. ठीक है यार 100 के आसपास मान लो. 100 के आसपास मान लिया. ठीक है So what is your best experience and with whom and क्या करा था तुमने ऐसा कुछ नया किया था फिंगर? अगर है तो प्लीज हमारे जनता जिन जो पता लगे जिन हमारे जो हमारी जनता है जिनकी सेक्स लाइफ इतनी मतलब अच्छी नहीं है हैपनिंग नहीं है वो खुद ठीक कर सके. ठीक है देखो मैं आपके बारे में सोचता हूँ ऐसा नहीं आपके बारे में सोचता हूँ. कुछ नया किया तूने? कुछ डिफरेंस कुछ मतलब ऐसी कोई स्टोरी तो शेयर करनी हो मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो. हाँ. एक बार हुआ था कि किसका बताऊँ मैं छोड़ो लेकिन एक बार करा था किसका बताऊँ एक बार करा था लेकिन मेरे को लगा था कि हो रहा है ठीक है लेकिन फिर बाद में चला अंदर गया ही तो लग रहा था कि अंदर ही है लेकिन घूम के तो नहीं चला गया तो उसमें मैं ना चिल्लाऊंगा ना चिल्ला तो हो रहे शिट यार ए कुछ ज्यादा ही हो गया तो. ठीक है तो इंटरेस्टिंग था कि इंसान लाइट जलाने के लिए प्लग लगा रहा है लाइट जल गई लेकिन प्लग लगाने लगा पता नहीं चला. चलो ठीक है नेक्स्ट थिंग करते हैं. आपका तो डेढ़ है. हाँ बस खत्म करते दो तीन डेढ़ खत्म करते. ठीक है ओके 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 ओके
सो मैडम को डेयर देना है। ओके सो मैडम का डेयर ये है, आप अपने शू रिमूव कीजिए प्लीज। नहीं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्या सॉक्स निकाल लिए? नहीं एक रिमूव करना है बस, एक ही सॉक्स निकाल लिए। क्या करने वाले हो? मेरे को डर लग रहा है। Do you like roses? ठीक है। सोचो ये रोज है, ठीक है, और तुम्हें करना क्या है, ये रोज है और ये ना रोज फ्लेवर लॉलीपॉप है। बचपन में क्या तुमने ब्लोजॉब तो नहीं खाया? खाया है ना? मैं ब्लोजॉब की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ब्लोजॉब नहीं करनी है। इट इज लाइक ये रोज फ्लेवर है, आपको उससे पहले सूंघना है, सूंघने बाद ना आपको लॉलीपॉप की तरह खाना है ऊपर से। डेयर चेंज में बहुत तगड़ा वाला है अच्छी वीडियो के लिए मना कर रही है ना, यू आर एंजॉयिंग ना, तो मैं इंजॉय लगा रहा हूँ। आई ऑल्सो शेयर माई स्टोरी जो किसी को नहीं पता, ठीक है? ठीक है, पहले सूंघना है फिर खाना है, फिर सूंघना है फिर खाना है, ऐसे नहीं थोड़ा यार फील के साथ। ओके और ये ना गीली होनी चाहिए ये सॉक्स, पता नहीं गीली है। जल्दी आराम से। चलो नहीं। मैंने सुबह ही सॉक्स मतलब चेंज की थी। अपनी दूं? चलो ठीक है, प्यार से सुनो ना, ऐसे नहीं, नीचे ऐसे कैसे कैसे अब खाओ यार। नो 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 हाँ जी बिल्कुल, वो गीला होना चाहिए, वो गीला होना चाहिए, मुंह में रखना नहीं है। ये तो जीप चुका कर दिया, ऐसे थोड़ी है। ये सॉक्स क्यों गीली? चप्पल लेके आती तो कोई दिक्कत नहीं है। मजा नहीं आया। बस इससे ज्यादा नहीं करूंगी मैं, रुक जा बस। लगता है यहाँ पे किसी का मुंह बन गया है। तेरे चल की वीडियो पागल, क्या टेंशन ले रही है? चलो स्पिन करते हैं। सो दिस इज क्यूटी एंड क्यूटी का डेयर, क्यूटी का डेयर। अच्छा पानी पी के हूँ। सॉक्स पहन लीजिए वापस, देना अब वो वैसे चढ़ेगी। नहीं मैं
नहीं नहीं तू जो तू पानी पी के आया तू तू चाय पी के तू कोल्ड ड्रिंक पी के यार चल रहा है ऐसे बीच में जाइए चल चलिए ओके सो हमारी वर्षा बता चुकी है आई गेस इन्होंने उल्टी तो नहीं करी है बट ठीक है पानी पी कर आई है और गाइस मेरे पास डियर रेडी है और आपको करना क्या है आपको खाना है सैंडविच और सैंडविच जो मेरे दांत में होगा अनिल भैया सामग्री लेके आइए प्लीज ओके तो यहाँ पे है हमारे पास सामग्री सामग्री में बेसिकली होती है ब्रेड मतलब सैंडविच में होती है ब्रेड यहाँ पे है दो कच्चे आलू ठीक है हम लगाते हैं बटर यहाँ पे डालें पहले कच्चा तेल साथ में होती है थोड़ी सामग्री अच्छी वाली खट्टा मीठा तो हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अचार कच्चा आलू भाई अचार और इस चीज को टेस्ट देने के लिए अदरक ठीक है तो अदरक जब मुंह में जाती है तो बहुत ही अलग होते हैं और ये डियर करने से पहले मैं इस इंसान को कसम देना चाहूंगा कि ये इसे बिना चबाए नहीं खाई मैं चबाना इसे नहीं खाना नहीं और ये बन गया हमारा सैंडविच और आपको पूरा खत्म करना है पूरा नहीं खा पाऊंगी पूरा नहीं खा पाऊंगी पूरा नहीं खा पाऊंगी पूरा नहीं खा पाएगी कोई बात चलो ठीक है थोड़ा कम कर देते हैं पूरा नहीं खिलाते हैं आधा खिला देते हैं आधा भी नहीं खा सकते ये तो खाना पड़ेगा मैडम देखो आपको चैनल पर खुल रहा है ना चैनल खोलने की हमारे लिए पनिशमेंट है कि आपको ये खाना पड़ेगा ठीक है तो मैं इसको बड़े अपने ही प्यारे हाथों से खिलाऊंगा ठीक है ओके चबाना है प्रॉपर नो यस जल्दी से ओके सो दिस इज अ सैंडविच मेड बाय मी जिसे पूरी दुनिया बड़े ही चाव से खाने वाली है और मैं अपना सैंडविच वाला रेडी खोलने वाला हूँ ठीक है खाइए 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 बड़ा मजा आ रहा है खाइए हाय हाय खालिया अपना मुंह खोल के प्लीज खाइए अपना खालिया है पानी ला दो अनिल भैया ओके तो हमारे कंटेस्टेंट जो है थोड़ा धराशायी हो गए हैं और बड़ी ही अजीब अजीब उनको मिलने वाली है और मुझे लगता है जैसे सिमरन डर रही है चैलेंज वीडियो करने में शायद ये ना डर जाए वर्षा के चैनल के लिए वीडियो वर्षा ही डर जाएगी नेक्स्ट वीडियो करने में जी जी गाजर के हलवे से वोमिट फीलिंग बहुत बहुत धन्यवाद सर यार मिर्च लग रही होगी मिर्च नहीं कच्चा आलू कितना बकबका लगता है अदरक से मिर्च लग रही होगी ओके ठीक है हो गया कंटिन्यू करें ठीक है गाइस ये है लास्ट में जिस भी आएगा से खत्म करेंगे ठीक है और आई सजेस्ट कि अगर कोई भी करे तो भैया वो लेना क्या बोलते हैं डेयर लेना और अगर मैं करे तो उसको वीडियो में खत्म कर देंगे अच्छा अच्छा तो बनाना है वर्षा वीडियो को यही खत्म करते हैं आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इतना नहीं कर सकती मैं यार ठीक है तो यहाँ पे बोनस राउंड है मतलब बोनस दे रहे हैं ठीक है तो वर्षा इधर देंगे डेयर नो ट्रुथ योर डेयर हाँ सो वर्षा से मेरा क्वेश्चन चलो ठीक है तुम पूछो अभी बताओ दी छूट और कुछ बढ़िया पूछना है यार देखो मेरे लेवल का होना चाहिए उतना वो वहां तक मैं नहीं पहुंच सकती वो आप ही अभी पूछो जो भी पूछना है सोच तो रहा हूँ फिर सोच तो मेरे अंदर
कभी भी ऐसा हुआ है कि तूने झूठ बोल करके अपने भाई को पिटवाया हो? मम्मी से? हाँ। क्या बात थी, क्यों पिटवाया? राहुल ऑलरेडी देख ली भाई, ठीक है? और कब पिटवाया? मैं शायद 6th या 7th क्लास में थी और उसने हम लोग वीडियो गेम खेल रहे थे तो मुझसे वो टूट गया था, उसका बटन जो है वो टूट गया था। फिर उसने ना मुझे मतलब मारा, एक बार मारा था, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत देर हो गई थी, शाम को आई थी मम्मी, कहीं गई हुई थी, तो मैंने झूठ में अपना जो इयररिंग है वो ईंट से तोड़ा। उसके बाद ईंट से तोड़ के फिर मम्मी आई, मैंने उस मम्मी को दिखाया, मम्मी ने मुझे इतनी तेज मारा है कि मेरा इयररिंग का हाल देख लो। फिर मम्मी ने उसे बहुत मारा, नहीं सुनी चलो ठीक है गाइस, फिर वीडियो यही खत्म करते हैं क्योंकि एक्सट्रीम क्वेश्चंस तो और भी बाद में हमारे एपिसोड में आने वाले हैं और वर्षा तो हमारी हमेशा कंटेस्टेंट रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए वीडियो यही खत्म करते हैं, वीडियो लाइक कर लगे तो वीडियो लाइक कर देना, बाकी ये बोले चांसेस है ना, कमेंट कर देना और शेयर करना, मतलब जितनी ज्यादा हो सके उतनी शेयर करना इस वीडियो को। और मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ एक और, अगर आपको और चाहिए ऐसी वीडियोस तो वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले #challengewithmanish।